हाय स्टूडेंट्स, सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चन करेंगे. एक क्वेश्चन जो आपके IBPS PO मेंस में आया था, वो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था. बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का था, तो या आज हम उसी को सॉल्व करेंगे. एंड और एक क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन से तो जो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड तो है ही, लेकिन साथ में थोड़े पजल के भी क्वेश्चंस है उसमें, और साथ में थोड़ा बहुत आपके डिस्टेंस डायरेक्शन का भी जो बेसिक्स है वो इन्वॉल्व है. तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है कि IBPS PO मेंस 2016 में आया था. सो विल रीड द क्वेश्चन. 12 friends are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person. So basically, double lineup की question है ये, तो वही आपको करना है कि double lines आपको draw कर लेना है. And 6 people in each row है, तो उस case में आपको 6 people के लिए जगह रखनी है. Okay, and same thing over here, second row. Now, in row 1, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north. अगर north की ओर face करेंगे, हम नीचे लगाएंगे उसको. तो L and right. ये अगर north की ओर, since ये north की ओर face कर रहा है, so this will be their left, this will be their right. And this is our row 1, जिसमें क्या है? A, B, A, C, D, E, F. A से लेके F तक. नेक्स्ट वी हैव आवर रो 2, जिसमें क्या है आपके पी से लेके यू तक है. ओके, एंड इन रो 2 पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड एंड आर फेसिंग साउथ. अगर फेस साउथ फेस करेंगे तो ये इनके राइट हो जाएंगे, ये इनके लेफ्ट. सो आगे लिखा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. There are 4 persons sitting to the right of R. R के right में 4 person है. अब R specifically mentioned है, तो R कहीं यही आएंगे, right? तो R के right में 4 person है, तो R की position एक ही हो सकता है, ये, ठीक है? Next, R's daughter. अब देखो, ये since family tree भी है, blood relation के भी question है, तो जैसे मैंने last time भी आप लोगों को बोला था कि simultaneously आपको करते जाना है, तो यहाँ भी हम simultaneously करेंगे. So R's daughter, तो R के daughter बोला गया है, तो हम R को draw करेंगे, फिर R के daughter को draw करेंगे. Okay, so R's daughter, R's daughter is immediate neighbor of the one who faces R. R को जो face करते हैं उनके immediate neighbor है. तो एक चीज तो ऐसा हो सकता है कि अगर इनको इनके बारे में बात करें तो R की daughter ये हो जाएंगे, ठीक है? और एक possibility है, क्योंकि R के जो है दो immediate neighbors है, तो उसी वही होगा कि एक ऐसा हो सकता है या फिर एक ऐसा हो सकता है. तो दोनों possibility हम देखेंगे साथ में, ठीक है? ये R के daughter है. Next क्या है? R's daughter, next, there are one person sitting between R's son and R's daughter. R के son and R के daughter के बीच में एक person है. तो इसका मतलब R के son भी है, right? तो son को भी draw करेंगे. और क्या बोला गया है? R के son और R के daughter के बीच में दो person है. तो this will be R's son, अगर ये इनके R के daughter होंगे. इस case में R के son, अगर daughter ये होगा, तो R के son ये हो जाएंगे. सिमिलरली इस साइड भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज तो साइमल्टेनियसली रख के चलते हैं. नेक्स्ट, ओके, क्यू इज मैरिड टू एफ. क्यू जो है वो एफ से मैरिड है, ये आपका लिखा गया है, ठीक है? कहाँ होगा वी डू नॉट नो, सो हमने साइड में लिख लिया है. Next, our son-in-law is third to the left of the one who faces a person who is immediate left of his brother. तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि R के son-in-law कौन होगा. एक चीज पता है कि R के जो daughter होगा, उनके husband हो जाएंगे, ठीक है? तो we are talking about our son-in-law
who sits third to the left of the one who faces the person who is immediate left of A's brother. तो यहाँ पे थोड़ा confusion है कि ये A का brother कौन है, बिल्कुल ही clear नहीं है, तो अभी के लिए हम उसको side में रखेंगे. देखो guys, कभी कभी क्या होता है, जब आप करते हो उसमें कुछ information ऐसा होता है जो आपके लिए clear नहीं होता, कहाँ रखना है, क्या रखना है, उसका बिल्कुल भी idea नहीं होता है, right? तो उस case में आपको क्या करना चाहिए, since आप ऐसे underline नहीं कर सकते हो, तो उस case में आपको कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट हैंड में लिख के रखना चाहिए कि ये ऐसा एक इंफॉर्मेशन है. जैसे आपने अगर लिखा है कि आर की सन इन लॉ एंड ए के ब्रदर के बीच में, ऐसे एरो से कुछ मार्क करके रखा है कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है. ओके, नेक्स्ट, टू पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड टी, आर्स ब्रदर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर सिस्टर. तो इनका मतलब है आर के को एक ब्रदर भी है और आर के सिस्टर भी है. ओके, so R's brother जो है वो sits second to the right of R's sister. तो ये भी हमें नहीं पता है अभी, तो ये भी हम रखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, two person sits between S and T and S does not sit at one of the extreme ends. तो एक possibility तो ऐसा हो सकता है कि S जो है वो यहाँ हो, तब उनका जो T है वो यहाँ हो जाएंगे. और एक और possibility हो सकता है, अब यहाँ S and T तो हो नहीं सकते, एक possibility ऐसा हो सकता है कि S यहाँ हो और T आपके, ऑब्वियस है कि ये तो हो ही नहीं सकता, टी यहाँ आ ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी एनीवेज हट जाएंगे. फिर एक हो सकता है कि एस यहाँ हो और आपकी जो टी है वो यहाँ हो, अब वो तो हो नहीं सकता, तो टी हो सकता है यहाँ पे और फिर एस हो सकता है. तो दो ही पॉसिबिलिटी बनते हैं, एक टी यहाँ हो, एक एस यहाँ हो, या फिर आप एक टी यहाँ हो, एक एस यहाँ हो, दो ही पॉसिबिलिटी बनते हैं. तो दोनों को देखेंगे साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट, A is brother in law of B. A जो है वो B के brother in law है, तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि क्या है, right? Next, A's father sits second to the right of A's brother. A का जो father है वो second to the right of A's brother, तो ये भी नहीं पता चल रहा है. फिर लिखा है E is married to S, ये भी confusion है. ठीक है, only one person sits between A's brother and R's mother. A का जो ब्रदर है एंड आर का जो मदर है, ओनली एक ही पर्सन बैठते हैं, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है. एक चीज पता है कि आर के भी एक मदर है. ओके, सो ये भी कंफ्यूजन है, तो वी कीप दैट फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट लिखते हैं कि आर सन इन लॉ डज नॉट सी दैट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. ठीक है, आर के सन इन लॉ एक्सट्रीम एंड्स में नहीं है, तो इसका मतलब टी आर के सन इन लॉ नहीं है. यहाँ पे वी डू नॉट नो, यहाँ पे हो भी सकता है, एनी इज आर्स के डॉटर है नहीं, तो ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इसको भी बाद में हम यूज करेंगे. नेक्स्ट, ए सिस्टर इन लॉ फेसेस एस. अब इस केस में ए के सिस्टर इन लॉ एस को फेस करेंगे, राइट? तो नाउ सी, यहाँ पे अगर एस होता तो आर के सन को फेस करते. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो दैट मीन्स यहाँ पे ही आपके ए का सिस्टर इन लॉ होगा, राइट? ओके, ए का सिस्टर इन लॉ यही होगा. नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए का सिस्टर इन लॉ फेसेस एस. एस ए सिस्टर इन लॉ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर्स डॉटर. तो दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी कि ए के जो सिस्टर इन लॉ है वो आर के डॉटर को फेस करेंगे, राइट? अब देखो, इस केस में अगर हम ऐसे भी कंसीडर करते कि एस जो है वो आर के जो डॉटर है वही आपके ए के सिस्टर इन लॉ है, तो उस केस में तो ये कंट्रडिक्ट करता ना कि ए के सिस्टर इन लॉ जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर्स डॉटर है. तो ये वाले जो ऑप्शन है वो हट जाएंगे आपके, ये ऑप्शन भी आपके हट जाएंगे. ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है कि ए की सिस्टर इन लॉ यहाँ होगा, आर के डॉटर यहाँ होगा, आर के सन यहाँ होगा. क्लियर? नेक्स्ट, ए सिस्टर इन लॉ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर्स डॉटर, वो तो हो गया हमारा. पी फेसेस ई हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड. अब देखो, यहाँ ऑलरेडी टी ऑक्यूपाइड है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ तो हो नहीं सकता. एंड ई बोला गया है, तो ऑब्वियस है ना कि रो वन में ही होगा, तो ई यहाँ है, तो आपके पी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या लिखा है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई. तो बी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ई है, तो इसका मतलब ए वन टू थ्री. तो बी है आर के सन, आर के सन है बी, और यहाँ पे क्या लिखा था, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी. तो इसका मतलब इनके जो डॉक्टर के जो हस्बैंड है वो ए है, राइट? अब क्या बोला गया था, ए का फादर के बारे में बात किए गए थे, तो ए के फादर भी कोई है, ए के
ब्रदर के बारे में बोला गया था, ए के ब्रदर भी कोई होगा। ए के सिस्टर इन लॉ के बारे में बोला गया है, तो ए के ब्रदर के कोई वाइफ भी होगी, राइट। फिर उसके बाद क्या है, ए सिस्टर इन लॉ फेसेस एस फिर ए सिस्टर, तो वी आर डन विद दिस। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस आर्स वाइफ। क्यू जो है, अब क्यू ऑब्वियस है कि यहाँ या फिर यहाँ आएंगे, यहाँ अगर होगा तो आर के वाइफ, लेकिन आर के वाइफ ए के सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकते, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि क्यू यहाँ हो और फिर जो आर की वाइफ होगा वो यहाँ हो जाएंगे। क्लियर। नाउ ए सिस्टर इन लॉ सिस्टर, ओके, so who faces Q sits immediate right of the one who faces R's wife. R's mother sits third to the left of the one who faces the one who sits immediate right of R's son-in-law. R's son-in-law कौन है? A. तो A के, अब देखो यहाँ पे A कहीं ना कहीं यहाँ ही आना चाहिए। अब obvious है ना कि R के जो son है वो तो obvious है, B हो गया, ठीक है। आर के डॉटर तो ऑब्वियस है कि ए नहीं हो सकता, तो आर के वाइफ भी ए नहीं हो सकता, तो पॉसिबली जो आपके ए होगा वो यहाँ ही होगा, क्योंकि एनीवेज ये ए का सिस्टर इन लॉ है। अब क्या बोला गया है कि जो आर के मदर है, जो आर के मदर है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर सन इन लॉ। आर के जो सन इन लॉ है दैट इज ए, उनके जो इमीडिएट राइट है वो ये होगा, उनके उनको जो फेस करते हैं उनके थर्ड टू द लेफ्ट में है। इसका मतलब क्या है, ये जो टी है वो आर के मदर है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट यहाँ लिखा है आर्स ब्रदर इन लॉ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर्स वाइफ। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आर के जो सिस्टर के हस्बैंड है वो हो सकते हैं, तो आर के जो ब्रदर इन लॉ है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द आर्स ब्रदर इन लॉ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर्स वाइफ। तो आर के जो वाइफ है उनके फोर्थ लेफ्ट में, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था कि ई इज मैरिड टू एस, तो ऑलरेडी हमारा अगर आप देखोगे तो 1 2 3 देखो ऑलरेडी आर के वाइफ के बारे में बोला गया है, तो ऑब्वियस है ना कि ये वाइफ यहाँ होगा तो ये हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऑलरेडी हमारे पास 12 लोग हैं, तो हम और किसी और को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यही आपके ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो आर के जो ब्रदर इन लॉ हैं, so where will be, तो R के brother in law sits fourth to the left of R's wife, R's wife यहाँ है, तो fourth to the left मतलब E R के brother in law हो जाएंगे, clear। फिर उसके बाद क्या है कि C sits diagonally opposite to the one who is immediate right of U। अब obvious है बाकी आपका सारा complete हो चुका है, तो U यहाँ ही होगा। अब immediate right of U कौन है, P, P के diagonally opposite कौन है, C, तो यहाँ R के जो doctor है वो हो जाएंगे आपके C। क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखा है, हु इज इमीडिएट, ए इज सन इन लॉ ऑफ डी, ए जो है वो डी के सन इन लॉ है। अब हमारे पास कुछ कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ऑलरेडी लिखा था कि ई इज मैरिड टू एस, तो ऑब्वियस है एस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और आर की जो वाइफ है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आर के जो, फिर उसके बारे में आर के ए के फादर के बारे में बोला गया था एंड ए के ब्रदर के बारे में, लेट अस गो, जो हमने नहीं किया था वो अभी हम करेंगे। आर सन इन लॉ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, आर सन इन लॉ कौन है, ए, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एज ब्रदर। अब आर जो है, आर सन इन लॉ मतलब ए के बारे में हम बात करें, ए क्या है, ए थर्ड टू द लेफ्ट बैठते हैं, किसके थर्ड टू द लेफ्ट मतलब यहाँ हो जाएगा उनसे 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट बैठते हैं, किसके थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एज ब्रदर, ए के ब्रदर के जो इमीडिएट लेफ्ट है उनको फेस करते हैं। तो इसका मतलब जो क्यू है वही ए के ब्रदर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यू इज मैरिड टू, क्यू एंड एफ आर मैरिड कपल, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ, सो बस दो ही बचा है। अब देखो ये हो गया आपके क्यू के जो सिस्टर इन लॉ है वो हो जाएंगे आपके एफ, तो यहाँ भी कंप्लीट हो गया, तो आर की वाइफ एक ही बचा है, दैट विल बी डी, क्लियर। और ऑलमोस्ट तो और एक ही बचा है दैट इज पी, तो यहाँ ही पी हो जाएंगे, तो हमारा पूरा
का सेटअप कंप्लीट हो चुका है. क्लियर. सो सीधा अभी क्वेश्चन पे आते हैं. हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए. ए के जो सिस्टर इन लॉ है, ए के सिस्टर इन लॉ कौन है? एफ. एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ. हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन. तो ए के जो सिस्टर इन लॉ है एफ है. एफ के इमीडिएट में कौन है? ए ही है. तो उस केस में ए कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी है. तो बी तो ऑब्वियस है कि नहीं हो सकता. सीज ब्रदर नहीं हो सकता. क्यूज ब्रदर, तो क्यूज ब्रदर का मतलब ही ए होता है. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं. इसी का हु इज ग्रैंड मदर ऑफ बी. बी के ग्रैंड मदर कौन है? तो ऑब्वियस है कि टी होगा, लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपका, ऑल आर ट्रू. तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक बार चेक करोगे कि सारे ऑप्शन सही हैं या नहीं. तो टी जो है वो टी तो ऑब्वियस है कि होगा ही, लेकिन डीज मदर इन लॉ भी तो टी ही है, राइट. डी के जो मदर इन लॉ है वो भी टी है, राइट. तो ये तो आपके सही है, ठीक है. ओके, यहाँ भी थोड़ा बहुत गलती है. ये आर के मदर है तो ये मदर इन लॉ होंगे, ठीक है. पर्सन हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो हाँ टी एक्सट्रीम एंड्स में बैठते हैं. इज मदर इन लॉ, ई के जो मदर इन लॉ है, अब एस जो है वो उनके बच्चे थे, राइट. तो ई के मदर इन लॉ तो टी है, राइट. तो यही आपके करेक्ट आंसर होगा. तो यहाँ पे सारे ऑल आर ट्रू वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं. हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी. तो यहाँ क्या लिखा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी. पी के सेकंड लेफ्ट में, तो दिस विल बी देयर सेकंड लेफ्ट. एस. एस हु फेसेस द पर्सन एस, मतलब एफ. एफ के बारे में बात करें, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? सेकंड टू द लेफ्ट में ई है. तो यहाँ पे ई कुछ है नहीं, तो ई का और क्या हो सकता है? आर का ब्रदर ई हो सकता है? नहीं. तो आर क्यू हो सकता है? नहीं. नन आर ट्रू. फिर उसके बाद ए हो सकता है? ऑब्वियस है. नहीं. एस के हस्बैंड, सो एस के हस्बैंड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ई इज द हस्बैंड ऑफ एस. सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नीस ऑफ पी. पी के नीस कौन है? अब देखो ये पी है, ये आर जो है, आर के भाई है पी, और आर के बच्चे हैं बी एंड सी. बी जो है वो लड़का है, सी लड़की है. तो ऑब्वियस है नेफ्यू कौन होगा? सी ही होगा. सो योर आंसर शुड बी सी. तो ऑब्वियस है बी तो होगा है नहीं. टी के सन ऑब्वियस है नहीं होगा. क्यू के वाइफ नहीं होगा. क्यू के वाइफ तो एफ होते हैं. क्यू सिस्टर इन लॉ, तो हाँ क्यू के जो सिस्टर इन लॉ है वो सी है. तो ऑब्वियस है वही आपके करेक्ट आंसर होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं. इफ पी इज रिलेटेड टू ए सिस्टर इन लॉ, ए के सिस्टर इन लॉ कौन है? एफ. तो देखो कैसे रिलेशन है. पी इज रिलेटेड टू एफ. तो पी एंड एफ देखो डायगोनल है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट है, राइट. ऐसा फिर उस केस में रिलेटेड टू ए सिस्टर इन लॉ इन द सेम वे एस क्यू इज रिलेटेड टू आर्स डॉटर. अब आर्स डॉटर कौन थे? सी थे. तो क्यू इज रिलेटेड टू आर्स डॉटर. अब देखो सेम वे में रिलेटेड है. उस केस में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू रिलेटेड टू इन द सेम पैटर्न. तो बी के साथ ही रिलेशन होगा. अब बी तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो लेट अस सी क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है. आर्स ब्रदर नहीं हो सकता. सीज ब्रदर, सी के ब्रदर ही इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी इज ब्रदर इज ऑनली नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन. वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 to 10. ओके, सो बेसिकली आपके एसबीआई पीओ मेंस 2017 में आया था. थोड़ा बहुत आपके लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत पजल से रिलेटेड है, एंड थोड़ा बहुत डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड है. तो लेट अस स्टडी. देयर आर सिक्स कर्स ए बी सी डी ई एंड एफ पार्क्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. तो बेसिकली सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में नहीं है. The distance between two adjacent curves are successive multiple of 3. That is, if the distance between the first and the second car is 3 meter, first and the third car is 6 meter, and between first and fourth car is 9 meter, and so on. So basically, 3, 6, 9, aisa kuch hoga. ठीक है. फिर यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 33 मीटर. ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस है आपके 33 मीटर. सपोज ये आपके ए है,
ये आपके बी है तो इनके बीच डिस्टेंस है 33 meters. ओके नेक्स्ट कार ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कार बी तो ऑब्वियस है हमने इमीडिएट लेफ्ट ही करा है सिंस ये नॉर्थ की ओर फेस करेंगे तो दिस विल बी योर लेफ्ट दिस विल बी योर राइट नेक्स्ट दैट इज अब देखो ये 33 अगर होगा तो उनके आगे पीछे मल्टीपल्स के साथ ही होगा ना तो ये 36 तो हम कुछ एज्यूम करके लिखेंगे कि ये 36 फिर 39 फिर होगा आपके 42 फिर आगे भी करेंगे 45 इस साइड भी करेंगे अभी हमें नहीं पता है ना कि किस साइड आएंगे तो हमें नहीं पता तो हम आइडिया लगा रहे हैं कि दोनों साइड हो सकता है ठीक है पॉसिबिलिटीज को लेके चलना है जैसे मैंने पहले ही बोला है आपको ठीक है एंड सो ऑन ओके अब द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स ई एंड एफ इज 99 meters एंड द डिस्टेंस बिटवीन कार ई एंड डी इज अ मल्टीपल ऑफ 2 द कार बी इज 75 meters अवे फ्रॉम कार सी अब देखो बी ऑलरेडी हमें पता है तो इस साइड 33 + 30 = 63 + 27 तो आपके 75 तो कभी नहीं आएंगे इस साइड अगर देखोगे तो 36 + 39 आपके 75 होगा तो उस केस में आपके जो सी है वो यहाँ आ जाएंगे ओके नेक्स्ट कार डी इज इन वन पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ कार सी बट नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी तो सी यहाँ तो होगा है नहीं ठीक है तो ऑब्वियस है कि यहाँ होगा या फिर यहाँ हो सकता है ठीक है देखो ऑलरेडी एक हमें मिल गया है एक देखो कितने होंगे अगर 6 लोग हैं उनके बीच में 5 ही डिस्टेंस हो गया तो एक मिल गया 2 मिल गया 3 मिल गया अब आइदर दिस होगा या फिर 4 5 ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा कि 1 2 3 4 5 ठीक है ये वाले ऑप्शन तो एनीवेज एलिमिनेट हो चुके हैं ठीक है अब देखो कार बी इज 75 meters ओके कार फिर उसके बाद वन नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी ओके ये कर लिया हमने अब डी यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है दोनों हम स्पेकुलेट करके रखते हैं फिर उसके बाद आपका लिखा गया था कि ई एंड एफ के बीच में 99 meters है तो देखो कहीं पे आपका 99 आएगा या नहीं आएगा तो 30 + 33 अगर आप करते हो तो 63 आते हैं 63 + 36 अगर करोगे तो 99 आएंगे ना 99 आएंगे तो उस केस में एक तो ऐसा हो सकता है कि ई यहाँ हो फिर आपका एफ यहाँ हो जाएगा ठीक है या फिर हो सकता है एफ यहाँ हो ई यहाँ हो जाएगा फिर उसके बाद क्या लिखा है ई एंड डी के बीच में आपका मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए तो ऑब्वियस है कि 27 आ नहीं सकते तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपके एफ और यहाँ होगा आपका ई क्लियर यहाँ होगा ई तो उस केस में ये भी फुलफिल हो रहा है एंड यहाँ होगा आपका डी तो डी 27 + 30 + 33 + 36 ये हो जाएंगे 99 + 27 एनीवेज मल्टीपल ऑफ 2 है तो यही हमारे कंप्लीट फॉर्मेट है तो मैं फिर से एक बार नोट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैसी हो गया हमें आगे भी डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन करने हैं सो दिस इज योर टी This is your A. I hope आपको समझ में आ चुका है ओके सॉरी दिस इज योर E. दिस इज योर A. एंड दिस इज योर B. दिस इज योर F. एंड दिस इज योर C. ओके सो बेसिकली दिस इज 33. दिस विल बी 30. दिस विल बी 27. एंड दिस विल बी 36 एंड 39. ओके सो ये हमारे बेस है फिर आगे भी हमें करना है क्वेश्चन सो लेट अस सी सो यहाँ क्या लिखा है कार डी इज सॉरी सो कार एफ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ कार एफ जो है वो मूव करते हैं नॉर्थ की ओर एंड आफ्टर गोइंग 18 meters इट टर्न्स राइट कार एफ जो है इट मूव्स दिस इज योर एफ एंड दिस इज योर ई ओके सो कार एफ मूव्स 18 kilometers in the north and it moves it turns to its right and moves 63 meters ab dekho 30 + 33 = 63 to exactly above b theek hai then it goes another 7 meters to its right turn to right matlab idhar hi hoga to 7 meters okay and stops at a point z point ye z point hai aapke car c moves 33 meters towards south okay and then takes a right turn to right इधर होगा and takes a right turn and goes 75 meters to exactly below B
okay, because 36 plus 39 is 75. Then it turns again to its right direction and moves another 17 meter, okay, and halts at point X. So this is your point X, okay. अब ये देखो, ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में होगा. And another car M is parked 13 meter to the west of point Z. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक M है जो 13 meter to the west of point Z है. फिर उसके बाद क्या लिखा है, now M starts moving towards further west and covers 77 meter. अब देखो यहाँ पे आपके 13 में से 33 में से अगर 13 हटा दिया तो 20 बच गए, 20 plus 30 हो जाएंगे 50, 50 plus 27 हो जाएगा आपका 77. तो यहाँ exactly D के अबव, okay, 77 meter आए हैं and reach point Y, okay, ये point Y है. अब आपके questions पे आते हैं. How many curves are there between cars D and F? D and F के बीच में कितने हैं? तो ये आपके F है and ये आपके D है. तो कोई भी नहीं है. So your answer will be option number B, that is none. Clear? Next question, question number C is 7 पे चलते हैं. We have question number 7. यहाँ लिखा है, what is the distance between point Z and point X? Z, अब देखो ये आपके Z है, ये आपके point X है, right? उनके बीच में distance. अब ये total, ये आपके पूरा था 18 meter, ये आपको दिया गया था कि 7 meter है, तो obvious है 18 minus 7, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 11 meter हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 33 meter है, यहाँ से लेके यहाँ तक 17 है, तो obvious है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 16 meter हो जाएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना है, तो 11 plus 16 हो जाएगा, जो होगा आपके 27 meter. So your correct answer would be option number E, that is 27 meter. Next question, question number 8 देख लेते हैं. What is the new position of car M? Okay, M के new position. अब देखो M यहाँ पे तो था, but यहाँ पे move करके यहाँ आए ना, तो अभी new position M के यहाँ है. ठीक है? With respect to car F, अब car F के respect में आपको distance and direction बताना है. तो direction is very clear, north west. ठीक है, लेकिन since none of this है, तो आपको distance भी check करना पड़ेगा. तो उस case में ये total आपके 77 है. 77 में से देखो, ये obvious है, ये 27 हो जाएंगे, ये भी obvious है कि ये 11 हो जाएंगे. तो हम वही करेंगे Pythagoras theorem से, to 27 square plus 11 square, क्योंकि ये hypotenuse है. तो 27 square होता है आपके 729 plus 121, right? 729 plus 121 कितना होगा? 850. Root 850. अब करके देख ले. 850 को अगर 10 से करते हैं, या फिर 2 into 5 तो हो ही जाएगा यहाँ पे. 2 into 5 करोगे तो 85 आएंगे. फिर उसके बाद आप 5 से करोगे तो 17 होगा. तो 5 को तो बाहर आप लेके आ सकते हो, लेकिन 34 अंदर ही रहेगा. तो 5 root 34 would be your correct answer. Clear? Next. Which car will be met first if M moves through the shortest distance from point Y? अब shortest distance, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, या फिर 5 root 34 भी अगर करोगे तो 5 root 25 भी होगा. तो 5 into 25 से ज़्यादा ही होगा. तो 5 into 5 25 से ज़्यादा ही होगा. 36 के आसपास होगा, right? 5 into 6 30. लेकिन यहाँ से यहाँ आपके only 11 meter है. तो that would be your correct answer. That is option number D. Clear? देखो यहाँ 5 root 34 होगा ना. अब 5 root 34 कितना होता है? अब root 36 आपके 6 होते हैं, तो 5 into 6, 6 से कुछ कम होगा, 5.8 के आसपास होगा, ठीक है? तो total अगर 5 भी अगर पकड़ लेते हो, तो वो भी आपके 25 होता है, तो 25 और 30 के बीच में होगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके total 11 meter है, तो shortest कौन सा है? Obviously D ही है ना, so your correct answer would be option number D. Next. Last question, what is the position of car A with respect to car E? E ke respect mein, ab dekho E yaha hai, to obviously aapko poocha gaya hai A, so this will be left. To jis mein left option nahi hai, usko anyways eliminate karo, theek hai? Phir uske baad 36 to hai nahi, 36 plus 33 hai, to us case mein 36 plus 33 hota hai aapke 69 meter. So your correct answer would be 69 meter towards left,
ओके. सो आई होप आपको समझ में आ चुका है सारे के सारे क्वेश्चंस. कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन डेफिनेटली लीव अस अ कमेंट और ऑल्सो यू कैन राइट टू अस. सो आई होप बहुत ही जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे पजल्स के. सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम्स.